अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिगोनोमेट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन प्रीवियस लेक्चर हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस किया कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ट्रिगोनोमेट्री सिस्टम किस तरह का होता है, उनके अंदर जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो क्या क्या फंक्शन जो है वो प्ले करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री मौजूद होते हैं। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब बेसिकली वर्टिब्रेट का जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, इनका जो सबसे जो इनका एक ही आपने ध्यान रख लेना है, वर्टिब्रेट का जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो होता है स्किन। स्किन क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इनके डिफरेंट फंक्शंस को प्ले करती है, बहुत इनके अंदर रोल प्ले करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके जो स्किन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली स्किन क्या होती है, अगर स्किन को मैं स्किन जो एक वर्टिब्रेट ट्रिगोनोमेट्री है, वर्टिब्रेट ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब है। ट्रिगोनोमेट्री का हमने पढ़ा कि ये इसको हम आउटर कवरिंग का नाम देते हैं। तो ये वर्टिब्रेट ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब हो गया, यानी कि ये वर्टिब्रेट की क्या है, आउटर कवरिंग है। बेसिकली ये क्या है कि लार्जेस्ट ऑर्गन है वॉल दी बॉडी का, वर्टिब्रेट्स के अंदर वॉल दी बॉडी का पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन जो है। लार्जेस्ट ऑर्गन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, यानी कि जो ज़्यादा स्पेस जो है, ज़्यादा सरफेस जो हमारी बॉडी की ये कवर करता है। अब क्योंकि हमारी पूरी वॉल दी बॉडी के ऊपर ये स्किन जो है ये एज अ सरफेस एरिया के तौर पर लार्जेस्ट ऑर्गन ये हम कंसिडर करते हैं। और बेसिकली ये हमारी बॉडी के साथ साथ ये ग्रो करता है। हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़ा था कि जो क्यूटिकल की एंटिगोमेंट होती है वो ग्रो नहीं करने देती, उसका डिसएडवांटेज पढ़ा था। हमारी बॉडी का एडवांटेज ये है कि ये स्किन जो है हमारी बॉडी के साथ साथ ये ग्रो करती रहती है, ठीक है। ग्रोज विद द एनिमल बॉडीज़। अब चूंकि स्किन जो है इसकी थ्री लेयर्स होती है, लेकिन इसके अंदर जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं, बात हम तीनों की करते हैं, लेकिन इसके अंदर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा फंक्शन प्ले करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मस की, इसकी थ्री लेयर्स ऑफ स्किन। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्किन की थ्री लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मिस का मतलब होता है लेयर होता है, और ये होती है बिलो बीनिथ दी एपिडर्मिस, और हाइपोडर्मिस जो है ये इसका मतलब होता है सबसे लास्ट पे, या आप ये भी कह रहे हैं बिलो द स्किन। हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। अब हम इनका सबसे वन बाय वन पढ़ते हैं। अब एपिडर्मिस जो होती है बेसिकली ये आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से ये मिलकर बनी होती है, ठीक है। जबकि अगर हम डर्मिस की बात करें तो डर्मिस जो है ये हाइड द स्किन, स्किन को छुपाने वाली, डर्मिस का मतलब होता है तो लेयर होता है बेसिकली। और ये डर्मा जो है, डर्मा से निकला है, जिसका मतलब होता है हाइड द स्किन, ठीक है, यानी कि स्किन को छुपाने वाली, तो इसका मतलब ये होता है। अब बेसिकली डर्मिस ये क्या होती है, थिकर लेयर होती है, किस चीज़ की, किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से, ये किसी मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, थिकर लेयर होती है, और ये बीनिथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से बिल्कुल ये नीचे होती है। जबकि अगर हम लास्ट पे हाइपोथैलेमस, हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस ये होती है बिलो द स्किन, पहले बता चुका हूँ आपको। और ये किसके ऊपर मिशन होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यूज के ऊपर, एडिपोज टिश्यूज के ऊपर, और उसके अलावा नर्व, एडिपोज टिश्यूज के ऊपर, और उसके अलावा नर्व एंडिंग के ऊपर, एंडिंग सेपरेट द स्किन फ्रॉम दिस पार्ट टिश्यू। तो ये बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस है। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, एपिडर्मिस जो है आउटर प्रोटेक्टिव एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। डर्मिस होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, हाइपोडर्मिस लोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्व एंडिंग, इन सब चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली थ्री लेयर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले इन वर्टिब्रेट्स के अंदर हम बात करते हैं जालस फिशेज की।
किसकी? वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले जाले स्पीशीज़ की बात करें तो जाले स्पीशीज़ में आ जाते हैं मोस्टली लैम्प्रेज एंड हैग फिशेज, लैम्प्रेज एंड हैग फिशेज। बेसिकली इनके अंदर जो स्किन होती है, इनकी स्किन जो होती है थिक होती है, लैम्प्रेज और हैग फिश की जो स्किन है ये थिक होती है, और ये बेसिकली इनके अंदर आ जाते हैं जालस फिशेज़ के अंदर आ जाते हैं। ये फिशेज़ होती हैं, ये जालस फिशेज़ होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लैम्प्रेज होती है इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। लैम्प्रेज के अंदर एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स। अब ये बेसिकली एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं, क्या चीज सिक्रेट करते हैं, प्रोटेक्टिव क्यूटिकल सिक्रेट करते हैं, प्रोटेक्टिव क्यूटिकल। अब प्रोटेक्टिव क्यूटिकल क्या करती है, इनको स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बहुत से डिफरेंट फंक्शंस प्ले करती है क्यूटिकल जो है। उसके बाद आ जाती हैं हैग फिशेज। अब बेसिकली अगर हैग फिशेज की बात करूँ तो हैग फिशेज के अंदर स्लिम ग्लैंड्स होते हैं। हैग फिशेज के अंदर क्या होते हैं, स्लिम ग्लैंड्स। अब ये बेसिकली स्लिम ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस स्लाइम। म्यूकस का मतलब होता है गाढ़ा, स्लाइम का मतलब होता है लिक्विड टाइप जो चीज़, ये इसको प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं म्यूकस स्लाइम को। अब बेसिकली ये म्यूकस स्लाइम क्या करते हैं कि इनकी बॉडी को सरफेस को कवर करती है, सरफेस दी बॉडी, बॉडी कवर सरफेस, कवर दी सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी की जो सरफेस है उसको ये कवर करती है, ये म्यूकस स्लाइम जो है। अगर हम ये स्लाइम और क्या फंक्शन प्ले करती है, ये प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को फ्रॉम एक्सटर्नल पैरासाइट से, और हैग फिशेज डिस्क्रिप्टिव नेम स्लाइम एल्स, और बेसिकली ये इसकी वजह से म्यूकस स्लाइम की वजह से इसको स्लाइम एल्स का नाम भी दिया जाता है, स्लाइम एल्स का नाम भी दिया जाता है किसको, हैग फिशेज को, ठीक है। तो ये बेसिकली होती हैं जालस फिशेज। उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज। आफ्टर जालस फिशेज ये कार्टिलेजिनस फिशेज आ जाती हैं, इनके अंदर जो मेनली इंक्लूड हैं वो शार्क्स हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर जो है शार्क्स इसके जो है बेस्ट एग्जांपल। बेसिकली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी स्किन किस तरह की होती है। अगर कार्टिलेजिनस फिशेज की बात करें या शार्क्स की बात करें तो बेसिकली इनकी जो स्किन होती है मल्टी लेयर्ड होती है। कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड स्किन होती है इनकी, मल्टी लेयर्ड स्किन। और बेसिकली जो मल्टी लेयर्ड स्किन होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, मुशमतिल होती है किसके ऊपर, म्यूकस और सेंसरी सेल्स के ऊपर, म्यूकस एंड सेंसरी सेल्स के ऊपर ये मुशमतिल होती है। बेसिकली अगर हम बात करें डर्मिस की, यानी कि जो इसके शास की डर्मिस की जो लेयर होती है आफ्टर एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो डर्मिस की लेयर होती है ये मुशमतिल होती है बोन के ऊपर। डर्मिस की जो लेयर है ये मुशमतिल होती है बोन के ऊपर, इनके अंदर बोन्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। किस सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लेकोइड स्केल, द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लेकोइड स्केल्स। उन स्मॉल प्लेकोइड स्केल्स को हम नाम देते हैं डेंटिकल्स का नाम देते हैं, डेंटिकल्स का। बेसिकली ये जो डेंटिक्यूलस है ये लैटिन जबान का लफज है जिसका मतलब है टीथ। आप ये भी कह सकते हैं लाइक टीथ लाइक ही ये डेंटिकल्स होते हैं। ये आप इनका कुछ ओवरव्यू थोड़ा सा ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि फिशेज के ये स्किन के ऊपर ये डेंटिकल्स होते हैं, ये लाइक स्मॉल प्लेकोइड स्केल्स। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये एक सैंड पेपर टेक्सचर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सैंड पेपर टेक्सचर। जिस तरीके से सैंड पेपर जो है ऐसा पेपर होता है जिसकी सरफेस थिक होती है और ये रफ सरफेस होती है, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह का अगर डेंटिकल्स का स्ट्रक्चर होता है। अब बेसिकली ये डेंटिकल्स करते क्या हैं, क्या इनका फंक्शंस होते हैं, ये मुशमतिल होते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर ये मुशमतिल होते हैं। और किस पर ये मुशमतिल होते हैं, नर्व्स के ऊपर एंड नर्व्स के ऊपर, ठीक है। और सिमिलर होते हैं किसकी तरह, वर्टिब्रेट टीथ की तरह, पहले भी मैंने आपको बताया जिस तरीके से वर्टिब्रेट के टीथ होते हैं उसी तरीके से इनका जो है स्ट्रक्चर होता है,
अब ये बेसिकली ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज चूँकि ये ग्रो करते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, इनके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि इनके अंदर ये एडवांटेज ही आप कह लें कि ये थ्रू आउट दी लाइफ क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, ये थ्रू आउट दी लाइफ ग्रो करते हैं। इनकी स्किन भी इनकी लाइफ के साथ साथ ये क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है, जैसे लाइक जैसा कि ह्यूमंस की तरह, एनिमल्स की ह्यूमंस की तरह, जैसे हमारी स्किन जो है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन जो है ग्रो करती रहती है हमारी ग्रोथ के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से इन कार्टिलेजिनस फिशेज के साथ भी ऐसा ही होता है, इनकी जो स्किन होती है ये थ्रू आउट दी लाइफ जो है ये ग्रो करती रहती है। अब बेसिकली ये जो न्यू डेंटिकल्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं टू मेंटेन करने के लिए इनफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। अब बेसिकली होता क्या है इनके लाइफ के अंदर, लाइक जैसा कि हमारा टीथ का स्ट्रक्चर होता है, अब टीथ का आपने देखा हो कि ये एक लाइफ तक ग्रो करते हैं, ठीक है। फ़र्ज कर लें कि जिस तरीके से एक बच्चा जब 7 साल का होता है उसके जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और नए दांत जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से इनकी स्किन की तरह होता है ये, जैसे इनकी एक एज होती है जब मेच्योरिटी लेवल तक जब ये पहुँचते हैं तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो उतर जाती है और नई कवरिंग आ जाती है, उसके बाद इनकी को जो कवरिंग है वो नहीं आती, डेंटिकल जो है नहीं मौजूद दोबारा आते, और इसी तरीके से ये जैसे जैसे इनके एज बढ़ती जाती है और ये इनके डेंटिकल जो है वो वीक और कमज़ोर होना शुरू होते हैं, और जब उतर जाते हैं मेच्योरिटी के बाद अगर उतरना शुरू हो तो फिर दोबारा ग्रोथ नहीं करते ये कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर। मैंने पहले बता दी कि इनकी जो स्किन होती है ये क्या एक सैंड पेपर टेक्सचर ये बनाती है, जिसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती, रफ सरफेस होती है, थिक लेयर होती है। तो बेसिकली ये था कार्टिलेजिनस फिशेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे बोनी फिशेज के बारे में।